क्या आपका शॉर्टकट सिस्टम हैंग होता है या फिर लैग होता है? सो ये वीडियो आप ही के लिए है गाइस। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने शॉर्टकट सिस्टम के अंदर की जो भी लैगिंग होती है या फिर जो भी हैंगिंग होती है उसको कैसे आप दूर कर सकते हो, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका शॉर्टकट लैग क्यों होता है या फिर हैंग क्यों होता है। तो ये हैंग होना या फिर लैग होना इसी वजह से होता है कि आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है या फिर जो भी लैपटॉप है आपका, वो उतने लेवल का नहीं होगा या फिर उसकी उतनी रैम नहीं होगी, वो उतना अपडेटेड नहीं होगा। इसी वजह से शॉर्टकट आपके सिस्टम में लैग होता है या फिर हैंग होता है। लेकिन इसके ऊपर शॉर्टकट के अंदर ही एक ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम प्रॉक्सी एडिटिंग बोलते हैं, जिसका यूज़ करके आप आसानी से, मतलब ज़्यादा लोड दिए बिना आप एडिटिंग कर सकते हो और आपकी जो भी एडिटिंग होगी वो स्मूथ होगी। सो प्रॉक्सी एडिटिंग एग्जैक्टली होती क्या है? तो जब कभी हम प्रॉक्सी एडिटिंग ऑन कर देते हैं या फिर उस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं, तब होता ये है कि जब आप एडिटिंग कर रहे हो तो जो भी आपकी क्लिप्स होती है उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। सो आपकी अभी जो भी एडिटिंग आप कर रहे हो तो वो कम क्वालिटी वाले क्लिप्स के ऊपर आप एडिटिंग कर रहे हो, जिससे कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो भी सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा और उसकी वजह से आपकी जो भी एडिटिंग होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी एडिटिंग कम क्वालिटी में होगी, दैट डजेंट मीन कि आप जब वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तब आपकी वीडियो की क्वालिटी कम रहेगी। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तब जिस क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है उस क्वालिटी में वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन बात इतनी है कि जब आप एडिटिंग करते हो तब उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, जस्ट टू अवॉइड लैग, क्योंकि उतना फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा आपके सिस्टम के ऊपर और आपकी जो भी एडिटिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। सो इस ऑप्शन को आपको कैसे ऑन कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना है यार, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉक्सी। सो इसके ऊपर ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यूज़ प्रॉक्सी। सो आप एक मैसेज पॉपअप हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू क्रिएट मिसिंग प्रॉक्सीज फॉर एवरी फाइल इन दिस प्रोजेक्ट, यू मस्ट री ओपन योर प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल प्रॉक्सी आर फिनिश। तो यहाँ पे आपको येस करना है और इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप सिंपली F4 भी दबा सकते हो। F4 दबाने से प्रॉक्सी एडिटिंग ऑन हो जाती है। सो जो भी आपकी एडिटिंग आप करोगे ना तो वो स्मूथ हो जाएगी। ओके, अभी मेरा सिस्टम यहाँ पे लैग नहीं कर रहा या फिर हैंग भी नहीं कर रहा था पहले भी, लेकिन जस्ट मैंने आपको प्रोसेस बताया कि कैसे आप ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी इन ऑन एट 540p। ओके, सो ये जो भी इसकी क्वालिटी है ये थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन आप इसको जब एक्सपोर्ट करोगे तब जिस क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है उस क्वालिटी में वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट? ये तो पूरे आपके सिस्टम के ऊपर या फिर एडिटिंग के ऊपर ये प्रॉक्सी ऑन हो गया। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्लिप के ऊपर ऑन करनी है प्रॉक्सी एडिटिंग तो वो भी आप कर सकते हो। तो स्पेसिफिक उस क्लिप को आपको सिलेक्ट करना है, देन बाद में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉक्सी। सो यहाँ पर करना है मेक प्रॉक्सी। सो ये स्पेसिफिक उस वीडियो के लिए वो प्रॉक्सी एडिटिंग ओपन हो जाएगी या फिर ऑन हो जाएगी, राइट? लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार जो यहाँ पे सिस्टम वाली प्रॉक्सी एडिटिंग है ना उसी को ऑन करा करें, ताकि आपकी जो भी एडिटिंग होगी वो स्मूथ होगी और आपकी क्वालिटी भी कम नहीं होगी, राइट? सो यही था यार आज के एपिसोड में। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने एडिटिंग के अंदर की जो भी लैगिंग होती है, जो भी हैंगिंग होती है, उसको कैसे कम कर सकते हो। बस आपको प्रॉक्सी एडिटिंग ऑन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी फिर जैसे आप करते थे पहले वैसे ही आपको करना है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा, होप आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है फिर यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। Bye-bye.